हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मंजन। आज हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। इसका अगर आपने देखा होगा तो 178 के ऊपर क्लोजिंग थी, लगभग 5% अप है स्टॉक। लेकिन मॉर्निंग में अगर आप देखेंगे तो ये नीचे की तरफ गया था, तो एक अपडेट है तो उसी के बारे में जानेंगे। और उसी के कारण जो है, जब लास्ट क्लोजिंग टाइम था वहाँ पे काफ़ी अच्छा स्टॉक बढ़ा है। इसका अगर लो, आज का लो देखेंगे तो 165 का है और हाई 179.50। तो इन्होंने एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट किया है जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। इसका अगर आप चार्ट भी देखेंगे तो सुबह नीचे की तरफ ही था ये स्टॉक, लेकिन बाद में अच्छा खासा रिकवर हुआ है। और काफ़ी मीन्स अच्छा रिकवर हुआ है और भी होना चाहिए, यहाँ से इजीली 200-220 के भी आना चाहिए। लेकिन थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि काफ़ी प्रोसीजर चालू है और भी डायरेक्टर्स, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर्स अपॉइंट करने के लिए थोड़ा टाइम है। और इसका अगर आप देखेंगे, मार्केट कैप 41,000 के करीब है, 2 रुपये का फेस वैल्यू है। तो ये एक नोटिफिकेशन आया है और इसके अंदर इन्होंने अपॉइंट किया है मिस्टर TS विजयनन एस एन एडिशनल डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और ये जो हैं IRDAI के चेयरमैन भी रह चुके हैं, LIC में भी सीनियर पोस्ट पे थे, और सर्च एंड सिलेक्शन कमिटी ने इन्हें चूज़ किया है। और जो 3 दिसंबर है उस दिन से ही जो है अपॉइंट किया है, तो ये काफ़ी अच्छी खबर है यस बैंक के लिए। और यहाँ से स्टॉक काफ़ी अच्छा थोड़ा मजबूत हुआ है और धीरे धीरे करके ये स्टॉक फिर से रिकवर होगा, लेकिन थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। और जिन्होंने भी नीचे के लेवल पे ले रखे हैं, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और अब भी नीचे के लेवल पे ही है, थोड़ा बड़ा है। और वापस अगर नीचे आता है तो आप इजीली लॉन्ग टर्म के नज़रिए से इस स्टॉक को देखेगा, क्योंकि बैंक काफ़ी बड़ा है, अच्छा बैंक है। और लोअर लेवल्स पे अगर मिलता है तो थोड़े थोड़े करके ही स्टॉक लीजिएगा, ताकि अच्छे रेट पे आपको मिले और लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो। तो आज इसी के बारे में बोलना था ताकि आपको भी आइडिया आ सके। आप भी इजीली ये लेटर निकाल के देख सकते हैं BSE की वेबसाइट से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। चले, थैंक यू।